हेलो दोस्तों, तो अब हम जानते हैं हमारे इस नए लेक्चर में मास्टर प्लान कॉन्सेप्ट के बारे में कि मास्टर प्लान होता क्या है, कैसे काम करता है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टाउन प्लानिंग में मास्टर प्लान को यूज़ किया जाता है। तो मास्टर प्लान होता क्या है? मास्टर प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान दैट आउटलाइंस द विजन, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी और टाउन। इट इज ब्लू प्रिंट फॉर द फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरह से एक ब्लू प्रिंट है जो कि इस एक सिटी है, उसकी फिजिकल, उसकी इकोनॉमिकल, उसकी सोशल और उसकी एनवायरमेंटल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने उदयपुर सिटी का मास्टर प्लान लगाया है। इसमें जैसे ये येलो कलर का जो दिख रहा है रेजिडेंशियल एरिया है, जो डार्क ब्लू सॉरी मेहरून कलर का जो दिख रहा है वो आपका औद्योगिक एरिया है ना, ये वाणिज्यिक एरिया है। दूसरा ब्लू कलर का जो है वो कमर्शियल जोन है। तो इस हिसाब से एक मास्टर प्लान होता है जो कि आपकी फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, लॉन्ग टर्म विजन के लिए। ठीक है, अ मास्टर प्लान इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग दैट इंश्योर दैट डेवलपमेंट इज कंसिस्टेंट विद द कम्युनिटीज विजन एंड गोल्स। इट हेल्प्स टू गाइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ए वे दैट इज सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल, एंड इट कैन हेल्प टू एंटिसिपेट द अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सबसे पहले हमने एक डेवलपमेंट प्लान बनाया। उस डेवलपमेंट प्लान को जमीन पर लाने के लिए हम लोग मास्टर प्लान्स बनाते हैं जो कि उसके लॉन्ग टर्म विजन्स और गोल्स को कंसिडर करता है। इसी के साथ जो है ये एक जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको एंटिसिपेट करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर प्लान, अब एक मास्टर प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहला हम देख सकते हैं विजन स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द कम्युनिटीज लॉन्ग टर्म विजन फॉर द फ्यूचर। कंपनी का क्या विजन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अचीव करना है सस्टेनेबल गोल, अचीव करना है विद एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंटल में भी हमें अच्छा करते हुए सस्टेनेबल गोल्स अचीव करने हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल होने चाहिए कि स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट सपोर्ट द विजन स्टेटमेंट। तो मेरा लॉन्ग टर्म विजन है कि 20 साल बाद जो है मेरा राजस्थान है या उदयपुर सिटी है या जयपुर सिटी है वो एक इकोनॉमिक बनेगा, मतलब मान लीजिए कंट्रीब्यूशन करेगा 50,000 करोड़ का इकोनॉमी में। तो उसके हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे उस विजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड यूज प्लान। अ प्लान आइडेंटिफाइज द लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लैंड यूजेस सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड ओपन स्पेस। तो लैंड यूज जो है एक प्लान, लैंड यूज प्लान के बारे में आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि कहाँ रेजिडेंशियल है, कहाँ कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल कहाँ है, ओपन स्पेसेस, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लान, अ प्लान दैट आइडेंटिफाइज द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू सपोर्ट द कम्युनिटीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो जो भी कम्युनिटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्लान में डालेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, अ प्लान दैट आइडेंटिफाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू सपोर्ट द कम्युनिटीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सच एज वाटर, सीवर सिस्टम, पार्क्स, ओपन स्पेस, कम्युनिटी फैसिलिटीज। ऐसे जो भी हम लोग हमारे मास्टर प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी अलग से प्लान होगा। इम्प्लीमेंटेशन प्लान, अ प्लान दैट आइडेंटिफाइज द एक्शन नीडेड टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मास्टर प्लान। तो मास्टर प्लान के सारे पॉइंट है, विजन स्टेटमेंट होना चाहिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लैंड यूज प्लान होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्लान होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए और उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी होना चाहिए। सबके सब जो है मास्टर प्लान के कंपोनेंट्स हैं। अब मास्टर प्लान प्रोसेस कैसे करता है, हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फाइंड कर लिए है ना, उसके बाद हमें जो है डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, प्रिपरेशन, गैदरिंग डेटा एंड एंगेजिंग स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटीज नीड एंड विजन्स। तो जो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर रहने वाले लोग हो गए, जो पॉलिटिशियन पार्टीज हैं वो सब के सब जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कमर्शियल बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं है ना, उनको हमें जो डेटा इंगेज किया है और उन्हें हम लॉन्ग टर्म विजन के बारे में उनको हमें बताना होगा। एनालाइजिंग द डेटा टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द कम्युनिटीज डेवलपमेंट। जो भी हम डेवलपमेंट करने वाले हैं तो उसका हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसको हम जो है स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। विजनिंग, डेवलपिंग ए लॉन्ग टर्म विजन फॉर कम्युनिटी दैट रिफ्लेक्ट्स द एस्पायरेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है विजन को डेवलप करना पड़ेगा। प्लान डेवलपमेंट, डेवलपिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मास्टर प्लान इंक्लूडिंग द लैंड यूज प्लान, ट्रांसपोर्टेशन प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अडोप्शन, अडोप्शन द मास्टर प्लान थ्रू द फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस विच टिपिकली इन्वॉल्व्स पब्लिक हियरिंग एंड अप्रूव्स बाय द इलेक्टेड ऑफिशियल। तो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं और पब्लिक हियरिंग्स हैं हमें उसकी फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस को अडोप्ट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग द मास्टर प्लान थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन सच एज जोनिंग रेगुलेशन, कैपिटल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है? मैंने आपको पहले बताया जोनिंग के रूप में कि हम अलग अलग जोन बांट देंगे, कमर्शियल जोन अलग, इंडस्ट्रियल जोन अलग, रेजिडेंशियल जोन अलग, है ना। इस टाइप से हमने उसको सिटी को जोन में, तो उसके बाद कैपिटल इंप्रूवमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर नए टैक्सेस लगा सकते हैं, या कहाँ कहाँ पर जो हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ से हम क्या कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो कुछ जो सिटी के अंदर कुछ इवेंट्स हैं, या जैसे हम बोलते हैं कुछ चौराहे होते हैं, है ना, तो उनको हम लोग किसी प्राइवेट बड़ी फर्म को दे देते हैं, वही उसे मैनेज करते हैं। तो ये पब्लिक उससे, और वहाँ पर वो अपना लोगो लगाते हैं, अपना बोर्ड लगाते हैं, तो ये सब के सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, जो कि सिटी को ब्यूटीफुल बनाने में या एक लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मास्टर प्लान क्या क्या है? पहला है प्रोवाइडिंग ए क्लियर विजन ऑफ गोल्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट। हमें क्लियर विजन और गोल्स मिल जाते हैं। गाइडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनर। तो जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल और इक्विटेबल मैनर में, एक सिमिलर मैनर में आगे बढ़ती रहती है। एंटिसिपेटिंग एंड अवॉइडिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्टिंग। तो हम पहले एंटिसिपेट करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनको ट्राई करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फोस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट। तो उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिटी का इन्वेस्टमेंट को हम लोग इस मास्टर प्लान के थ्रू बढ़ा सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मास्टर प्लान में? सबसे पहला है कि लिमिटेड रिसोर्स टू प्रिपेयर दी एंड इम्प्लीमेंट दी प्लान। तो जो जो भी टाउन प्लानर्स होते हैं या जो होते हैं वो प्लान अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। चेंजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन दैट कैन अफेक्ट दी प्लान्स इफेक्टिवनेस। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अनस्टेबिलिटी के थ्रू क्या होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज होती रहती है सिटी की, तो उससे उसकी प्लान की इफेक्टिवनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। द नीड टू बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज़। तो क्या क्या इंटरेस्ट फ्यूचर में डेवलप हो रहे हैं और उन क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनके बीच में एक बैलेंस बिठाना पड़ता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। द नीड ऑफ ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन टू मास्टर प्लान। तो उसको मॉनिटर करना, उसका एवेल्यूट करते हुए चलना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मास्टर प्लान में। केस स्टडी की बात करते हैं एक पोर्टलैंड कंप्रिहेंसिव प्लान की। द सिटी ऑफ पोर्टलैंड ओरेगॉन हैज ए कंप्रिहेंसिव प्लान दैट सर्व्स एज इट्स मास्टर प्लान। एक कंप्रिहेंसिव प्लान जो मास्टर प्लान की तरह काम करता है। इस प्लान में क्या क्या इंक्लूड है? लॉन्ग टर्म विजन फॉर द सिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एज वेल एज स्पेसिफिक गोल एंड पॉलिसीज टू गाइड डिसीजन मेकिंग। द प्लान इंक्लूड्स लैंड यूज मैप दैट आइडेंटिफाइज द डिफरेंट जोन फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ओपन स्पेस, एज वेल एज पॉलिसीज टू सपोर्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। द प्लान इज अपडेटेड एवरी 20 ईयर टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कंडीशन एंड प्रायोरिटीज। तो एक पोर्टलैंड सिटी है ओरिगोन में, जो अपने 20 साल के लिए प्लान बनाती है, उसने अपनी सिटी को जो है डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड कर रखा है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ओपन स्पेस में, और उसी को प्रायोरिटाइज करके उसी के अकॉर्डिंग वो जो है ट्रांजिटोरी डेवलपमेंट या अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस अपनाते हुए अपनी पॉलिसीज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमें भी हमारे सिटीज़ में इसी हिसाब से काम करना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है अपन ने। तो मास्टर प्लान कंक्लूजन की बात करें, मास्टर प्लान कंसेप्ट इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन टाउन प्लानिंग दैट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग दैट इंश्योर्स द डेवलपमेंट इज कंसिस्टेंट विद द कम्युनिटीज विजन एंड गोल्स। द मास्टर प्लान प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, एनालिसिस, विजनिंग, प्लान डेवलपमेंट, अडोप्शन, इम्प्लीमेंटेशन। वाइल देर आर चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग इम्प्लीमेंटिंग मास्टर प्लान, द बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ए क्लियर विजन, गोल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, गाइडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनर, एंटिसिपेटिंग अवॉइडिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट, फोस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कम्युनिटीज इन्वेस्टमेंट। तो ये एक जनरलाइज कंक्लूजन है जो हमारे इस मास्टर प्लान के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा काम करूँ। थैंक यू।